नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के मैटर पे। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, सरकार पासपोर्ट का रंग बदलने जा रही है। फिर एक पासपोर्ट और भी मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें फिंगर बदले जा रहे हैं, अपराधी लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी उस कमेंट में एक लोगों के कमेंट आएगी कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार को चिप वाले पासपोर्ट बना देना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं साथियों, सरकार पहले से इसमें ट्रायल में 20,000 चिप वाले पासपोर्ट इंडिया में बना चुकी है। वो ट्रायल बेस पे चल रहे हैं, जैसे ही वो सक्सेस हो जाएंगे इंडिया में 100% आने वाले समय में 2000 उम्मीद है 22 या 23 में चिप वाले पासपोर्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, चिप वाले पासपोर्ट या ई पासपोर्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें क्या सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, किन के लिए वो नुकसान करेंगे, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, हर रोज आपको विदेशों से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई पासपोर्ट क्या होते हैं, इसमें क्या फायदे होते हैं। अंग्रेजी दैनिक अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार खबर के मुताबिक सरकार ने 20,000 सरकारी डिप्लोमेटिक ई पासपोर्ट ट्रायल के तौर पे जारी कर दिया है। जी हाँ, माना जा रहा है कि अगले साल तक सामान्य नागरिकों को भी ये पासपोर्ट जारी करने लग जाएगी सरकार। इसमें सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी का चुनाव अभी कर रही है या कर लिया होगा अभी, क्योंकि ये नीति थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो उसमें बता दूं, सरकार ये चाहती है कि भाई अच्छी कोई एजेंसी मिल जाए जो एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में 10,000 से 20,000 पासपोर्ट बैठे बैठे जारी कर सके। जी हाँ, जिसको दिल्ली और चेन्नई में आईटी सिस्टम के तहत ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। जी हाँ, वहां से पूरा सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा पूरी इंडिया के अंदर। ई पासपोर्ट ऐसे पासपोर्ट होते हैं साथियों, मैं बता दूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। जी हाँ, जो पासपोर्ट इंडिया में चल रहे हैं वो सामान्य नागरिकों के लिए नॉर्मल तरीके से पर्सनलाइज्ड होते हैं। उन्हें बुकलेट्स यानी एक पेपर का पन्ना होता है बुकलेट्स पर, उसपे उनको छापा जाता है मशीन के द्वारा। जी हाँ, हालांकि बता दूं इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, पासपोर्ट आगे भी ई पासपोर्ट वगैरह ई चिप वाला वो पासपोर्ट सेम ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंस उसमें उतना ही होगा कि कहीं ना कहीं एक चिप या तो पासपोर्ट के ऊपर वाले पन्ने में या अंदर के कहीं पे चिप लगी होगी जिसमें आपका पूरा बायोडाटा है वो चिप के अंदर रहेगा। जी हाँ, आम जो पासपोर्ट है उससे ये बेहतर ज्यादा सुरक्षित पासपोर्ट आपका माना जाता है। जी हाँ, इस ई पासपोर्ट के बता दूं, इस ई पासपोर्ट में सबसे ज्यादा आपको डिजिटल फीचर्स भी मिल जाएंगे सरकार जो भी आगे उसमें जो भी डालेगी सरकार के द्वारा। इस चिप में आपका बायोमेट्रिक जो आप अंगूठा लगवाते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। साथ ही ये चिप आपकी ये भी बताएगी कि आपकी पासपोर्ट वैधता कितनी है, पासपोर्ट में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नंबरों से ये पता लग जाएगा। जी हाँ, और मेन रीजन क्या होगा, इस तरह के पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा करना बहुत यानी नामुमकिन हो जाएगा। फर्जीवाड़ा ये जो फिंगर बदलना थाने में, आपको पता है मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, कितने पंजाब में 400 पासपोर्ट बन चुके हैं, पंजाब में 50-60 पासपोर्ट बन चुके थे, चेन्नई में फर्जीवाड़ा हो गया था, वो सिस्टम बिल्कुल ही रुक जाएगा। और ज्यादा नुकसान जिन लोगों के अपराधी टाइप के लोग होते हैं जो विदेश भागने की सोचते हैं, भाग जाते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल होगा। क्योंकि अभी देखिए, एक अपराधी को पुलिस विदेश से भागने के लिए रोकती है ना, तब उसको बहुत ज्यादा एक जैसे सीआई स्तर के थाने में पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है, तो उसको एसपी ऑफिस में ईमेल करना होता है, फिर वहां से उसके अप्रूवल मिलता है, फिर उसको आगे भेजना होता है जयपुर स्तर पे, मतलब अगर राजस्थान की बात करें तो फिर वहां पे नेशनल स्तर पे भेजना होता है, यानी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इतने में बंदा फुर हो जाता है। लेकिन जैसे ई चिप वाला पासपोर्ट बन जाएगा, एक अंगूठे पे पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा पासपोर्ट को पूरी इंडिया के अंदर। आगे मेन फायदा क्या होगा बता दूं इसमें, जो लोग बार बार ट्रेवल करते हैं विदेशों के, आपके पासपोर्ट पे मोहर लगती है अलग अलग देशों में, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी जैसे आप बड़ी कंट्री जैसे यूरोप वगैरह जो इमिग्रेशन सख्त होता है उन कंट्रियों में जाते हैं, तो वो पासपोर्ट के पन्ने पलट पलट के देखते हैं, उनको लगता है क्या पता फर्जी मोहर हो, उनके मतलब शक होता है। लेकिन जैसे ई पासपोर्ट आ जाएगा तो पूरा रिकॉर्ड उस चिप में रहेगा, इसलिए आपका विश्वसनीयता बढ़ जाएगी पासपोर्ट के प्रति। उस चिप में पूरा रिकॉर्ड होगा भाई, इस ये देश ये बंदा इतनी कंट्रीज में घूम चुका है, तो उनको टेंशन, आपका इमिग्रेशन क्लियर होने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आगे अगर फायदे की बात करें इसमें आप लोगों को, ई पासपोर्ट से फायदा, आपका जो भी पूरी आईडी प्रूफ होता है, आपका आइडेंटिटी जो बोलते हैं, वो पूरा इसमें एक जगह मिल जाएगी। बाकी इसके डेटा को रख के किसी भी पुलिस महकमे में कहीं पर भी ये मुश्किल काम होता है। जी हाँ, तो ये भी बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक में जो चिप होती है उससे पूरी आपकी जो भी आपका बैकग्राउंड है, पूरी जानकारी है, कहाँ गए क्या है, पूरी ट्रेवल हिस्ट्री खुल के सामने आपके लैपटॉप में या फिर सिस्टम में शो हो जाती है। सबसे ज्यादा फायदा सरकार को या फिर पुलिस को ये होगा, अपराधियों को देश छोड़ने पे लग जाएगी लगाम। जी हाँ,
क्योंकि आपको पता है भाई अपराधी लोग भागते हैं पासपोर्ट में, कोई भी गलत किया पासपोर्ट हाथ में निकल जाते हैं, पुलिस प्रोसेस में आते आते वो तो देश छोड़ के चले जाते हैं। ई पासपोर्ट से ऐसा सिस्टम हो जाएगा कहीं सभी जगह पुलिस एक कॉल करेगी, एक बटन के हिसाब से पूरी इंडिया में पासपोर्ट उसका लॉक हो जाएगा, तुरंत मिनटों में अपराधी इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। जी हाँ, और दूसरे देश में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं बता दूं जिनमें पहले से ई पासपोर्ट चल रहे हैं, वहां तो चिप वाला सिस्टम पहले से चल रहा है। तो ई इंडिया में अगर लागू हो गया तो दूसरे देश में घुसना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो जाती है। आज भी डार्क नेट जो वेबसाइट होती है, नकली वेबसाइट जिनको बोल सकते हैं, उनपे फर्जी पासपोर्ट पेपर बेचे जाते हैं जो इन सिस्टम पे लगाम लगाएंगे। आईसीओ के मुताबिक बता दूं 100 देशों में आज पहले से ही ई चिप वाले पासपोर्ट चल रहे हैं, और ई चिप वाला पासपोर्ट की वैल्यू भाई अलग होती है, वो एक ब्रांड बन जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं 49 करोड़ पासपोर्ट अभी भी ई पासपोर्ट वर्ल्ड में चल रहे हैं। अगर देशों की बात करें 100 से ज्यादा पासपोर्टों में 49-50 करोड़ से ज्यादा ई पासपोर्ट बन चुके हैं। इंडिया में अभी बनने स्टार्ट हो सकते हैं अगले आने वाले 2021 या 2022 के अंदर। बस साथियों, ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफी लोग बोल रहे थे पासपोर्ट को चिप लगा देनी चाहिए, वो आ गए भाई अभी 2021 या 2022 में। पासपोर्ट आप अगर रिन्यू करवाते हो तो आपके हो सकता है ये पासपोर्ट आपके अंदर, हालांकि पासपोर्ट सेम ही रहेगा, उसके अंदर एक चिप लग जाएगी जिससे पूरा डिटेल मैंने पीछे बताई है, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड रहेगा आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।